तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुनिदा जनाः। ईश्वर प्रणिधानन, ईश्वर प्रणिधान का बात हो रहा था। ईश्वर प्रणिधान के मतलब न केवल ईश्वर में सर्वकर्म समर्पण, सर्वकर्म फल समर्पण ईश्वर ही करता है, वही परिचालक है, ये सर्वदा मानना, अनुभव करने का प्रयास करना। अभी तक हम लोग देखें कि ईश्वर प्रणिधान एक प्रणिधान एक नियम का जो श्रृंखला है, साधन का एक अंग है, एवं नियम का अंतर्गत एक आध्यात्मिक साधन सोच संत तपस्वाध्या ईश्वर प्रणिधान नियम, वन ऑफ फाइव डिसिप्लिन अंडर नियम। लेकिन ईश्वर प्रणिधान अच्छा प्रणिधान कैन बी एन इंडिपेंडेंट मेथड टू रियलाइज गॉड। यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने जो सुना है नहीं, ईश्वर प्रणिधान का मतलब जो शरीर एवं मन का संतुलन, शरीर क्रियाशील रहे, स्वस्थ रहे, द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, इसके बारे में हम सुन रहे थे। लेकिन ईश्वर प्रणिधान की एक गंभीर अर्थ है। हम देखे हैं कि पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, ईश्वर के साथ युक्त होना, परमात्मा के साथ युक्त होना, इसको योग कहलाता है। योग बी इन टच बी अटैच्ड टू गॉड, ये योग है। योग कैसे करेंगे? योग चित्त वृत्ति निरोध, हमारे जो मन के भीतर जो चित्त है, जो मेमोरी स्पेस है, उसको संतुलित रखना। चित्त वृत्ति तो चित्त में सर्वदा वृत्ति वृत्ति धारा मॉडिफिकेशंस आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग द माइंड, तो मन को वृत्ति शून्य करना उसको योग कहलाता है, चित्त वृत्ति निरोध। अभी आगे कहा जा रहा है कि जो हम लोग देखे हैं, जो वृत्ति का जो चंचलता है, जो मन को पीड़ा देता है, वो अगर हम किसी प्रक्रिया से उसको संतुलित रखें तो कम बन जाएगा। और ये उसका समाधान भी पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है। पहले बताया कि भगवान के वाचक प्रणव है एवं प्रणव पूरित मंत्र उच्चारण करने से मन शांत हो जाता है। सीधा बात है, इसको पार्वती सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, ईश्वर प्रणिधानाद वा, ईश्वर प्रणिधान से भी हो सकता है। कौन सा होने के बाद बोल रहे हैं पतंजलि योग से? प्रथमे समाधि पाद, कैसे समाधि प्राप्त करें, और उसको समाधान दे दिया द्वितीय सूत्र में, जो ईश्वर के जो कर्मफल समर्पण करके निश्चिंत होना,
ये जो आध्यात्मिक श्रृंखला, इसका फल सुदूर प्रसारी है। तो जैसे कि पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि मन को वृत्ति शून्य करना है, चित्त वृत्ति निरोध कैसे करे, अभ्यास वैराग्याभ्याम त निरोध। हम लोग देखे हैं अभ्यास एवं वैराग्य के माध्यम से आपात जो अशांत मन को शांत एवं स्थिर करना जाए, यही बात हुआ है। जो मन को अभ्यास एवं वैराग्य के माध्यम से मन को स्थिर करना ही जीवन का लक्ष्य है, ताकि उसमें हम ईश्वर के सान्निध्य में पहुंच जाएंगे। ये इक्वेशन हुआ, क्योंकि हम देखें जो अभ्यास जो कहा गया है सद दीर्घ काल नहीं रहता नहीं है, सत्कार आशीर्वाद में दीर्घ काल तक करना पड़ेगा। तो श्री रामकृष्ण एक प्रश्न कर रहे हैं कि कोलिते अन्नगत प्राण, वेयर इज द टाइम, समय कहाँ है। कहते अगर ये होगा होगा करते हुए आप आँख बंद करके बैठे रहें और सुबह में आप एक दिन देखेंगे इसे दिखो, तो कुछ फायदा नहीं हुआ। इसीलिए पतंजलि खुद ही 21वां सूत्र में कहते हैं, तीव्र संवेगा नाम असन्न भवती, तीव्र संवेदना नाम जो संवेग, तीव्र संवेगा नाम जो असन्न भवती। The realization of God becomes easier within our reach, provided we call on Him with sincere heart. Thakur कहते हैं धीमे देते लबाजले हो बेना। You have to make every possible effort to make it a reality. यही है बात। तो यद्यपि कर्मफल अभ्यास वैराग्य के माध्यम से होता है, लेकिन हम देखें अभ्यास वैराग्य के माध्यम से हमारा ऑल्टरनेटिव कुछ है पूछा है। यहाँ पर पतंजलि कहते ईश्वर प्रनिधानात बा, अतः एज एन ऑल्टरनेटिव दिस मेथड इज ऑल्सो एप्लीकेबल। वॉम इज ऑल्टरनेटिव, ईश्वर प्रणिधान से ही डायरेक्ट हम चित्रवृत्ति निरोध कर सकते हैं, समाधि प्राप्त हो सकते हैं। दिस इज द मैसेज, ईश्वर प्रणिधान कोई भी डायरेक्ट मेथड टू रियलाइज गॉड एंड वी एंजॉय इन हिज ब्लिस। यह है ये अर्जुन का पूरी भाषा जो बायोग्राफी करने से क्या सुविधा होगा। तो ये जो बताया कि तीव्र संवेगानाथ, ठाकुर ने कहते थे धीमे ते तला बजाने, ठाकुर वॉज वेरी अप एंड डूइंग, जो कुछ करना है तत्काल करो। यहाँ पर पतंजलि ने बताया ये दीर्घकाल करते करते होगा कभी, लेकिन अगर तत्काल चाहते हो तो इसका गति बढ़ाओ, स्पीड, तीव्र संवेगानम। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट and see that it is done. Alternatively, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, अगर ईश्वर सर्व कर्म फल समर्पण करें मानसिक रूप से एवं जो ईश्वर हमारे परिचालक है ये हर पल ये अनुभव करे, तब हमारे मन ईश्वरमय हो जाएंगे। यही है बात, ईश्वर प्रणिधान से कैसे होता है, जो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एंटायर पर्सनैलिटी विद द थॉट ऑफ गॉड, विद द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। ये जो व्याख्यान है जो तीव्र संवेगानात आसन्न, ये
अनुधावन योग्य है। ये दिस इज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। ये है ठाकुर का जैसे योगदान, व्याकुलता योग। कोई भी गुरुकरण का पहले ठाकुर जो जीवन में प्रतिष्ठित हुआ था, यह है तीव्र संवेगाना आसन्न, अत्यंत दिस इंटेंस लॉन्गिंग इन हिज हार्ट दैट मस्ट सी गॉड। दिस इंटेंस लॉन्गिंग इज नेसेसरी, दैट इज तीव्र संवेग। अब ये होने से क्या होता है कि तीव्र संवेग अगर नहीं भी होता है लेकिन नियमित रूप से वैराग्य, इस वैराग्य के साथ करके ईश्वर पर निधान नम करें, तब भी ईश्वर प्राप्ति होगा। मन शांत हो जाएगा, मन साफ हो जाएगा, मन का मन में भगवान का छवि दिखाई पड़ेगा। तो अतएव ईश्वर पर निधान हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक अन्यथा सहज ईश्वर पर निधान, निश्चिंत होकर अगर हम ईश्वर में ये समर्पण करें तब जीवन हमारा तनाव मुक्त हो जाएगा। तब एक प्रश्न बचा है, ये तो मानसिक प्रक्रिया है भगवान, मैं तो जो करना वाला मैं कर रहा हूँ, लेकिन मानसिक रूप से हमें कल्पना करना चाहिए कि मैं नहीं कर रहा हूँ, होली वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहा हूँ, मैं करता नहीं, ईश्वर स्वयं वो अपना कर्म परिचालन कर रहे हैं। तो अगर हम काम नहीं कर पा रहे हैं, कर रहा हूँ, ये अगर हमारे मन में दृढ़ प्रतिष्ठित हो जाए तब हमारा मन में एक आनंद का स्रोत आ जाएगा। तो ये हमारा कहना है कि ईश्वर प्रणिधान हमारे आध्यात्मिक जीवन में गुरुत्वपूर्ण साधन है। और कैसे हम ईश्वर प्रणिधान जीवन में अपनाएं एवं इस जीवन में ही ईश्वर को सान्निध्य उपलब्धि करते जीवन सफल कर सके, ये अपूर्व गाथा फिर आगे हम लोग चर्चा करें। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।